हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स क्यों बोला गया, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं हम लोग फंडामेंटल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है बेसिक्स, ठीक है। तो बेसिक्स राइट तो होता क्या है, जैसे हम लोगों को जिंदगी जीने के लिए हवा और पानी का जरूरी है, ठीक है। तो उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के लिए या हम लोग के लाइफ के लिए फंडामेंटल राइट्स का होना जरूरी था, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग एंड तक बहुत कुछ जान लेंगे, ठीक है। तो और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी होगा, तो आप एंड तक देखिएगा और हो सके तो पहले ही लाइक मार दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो अनलाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में, पार्ट थ्री में है। और फंडामेंटल राइट्स कितने से कितने तक है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स कितने पार्ट में है और कितने आर्टिकल में, ठीक है, याद हो गया। उसके बाद सेकेंड में आते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो ये यूएसए से लिया गया है, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद क्या फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है, यानी कि अगर कोई फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, ठीक है, नहीं मानता, तो क्या हम उसके खिलाफ कंप्लेन या कुछ दर्ज कर सकते हैं, तो ये है कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, ये जस्टिसेबल है। उसके बाद फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा बोलते हैं, ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स को, मैग्ना कार्टा। तो उसके बाद ये बोला गया था कि फंडामेंटल राइट्स को के बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोग अमेंडमेंट नहीं कर सकते। अमेंडमेंट का मतलब मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, ठीक है, आप आई बटन पे आ रहा होगा, आपको अगर वो वीडियो देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो इसमें अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है कि आप किसी पार्ट को अभी सिचुएशन के हिसाब से हटा रहे हैं या इसको इम्प्रूव करवा रहे हैं, ठीक है। तो पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो उस टाइम क्या होता था कि उस टाइम सिचुएशन अलग था, अभी का सिचुएशन अलग है, तो कुछ कुछ चीजें चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे हम अपने आप को चेंज करते हैं, बचपन में हम लोग ज्यादातर टाइम खेलने में स्पेंड करते थे, बट अभी तो नहीं कर सकते ना, अपने आप को चेंज किए, उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज होता रहा है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ये केशवानंदा भारती केस में बोला गया था। तो हो गया 5-6 क्वेश्चन यहीं पे, ठीक है। कौन से इसमें बोला गया था, कौन से केस में बोला गया था कि बेसिक फंडामेंटल राइट्स का बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, वो है केशवानंदा भारती केस। तो यहीं पे 5-6 क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो आप इन तक बने रहिएगा, हम लोग बहुत कुछ सीख लेंगे। उसके बाद तो मैंने बताया कि फंडामेंटल राइट्स 12 से लेकर के 35 तक है, आर्टिकल तक है, ठीक है। तो आप इसको अपने हिसाब से कहीं पे भी नोट कर लीजिए, ठीक है, अपने हिसाब से, जितना मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप अपने हिसाब से नोट कीजिएगा तो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि हम लोगों को एग्जाम क्रैक करना है तो हम लोग को याद रखना ही पड़ेगा। तो बात करते हैं आर्टिकल 12 की। आर्टिकल 12 बोलता है, आर्टिकल 12 बोलता है कि ये बताता है हम लोग को कि डिफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है, ठीक है, स्टेट एक्चुअल में है क्या। तो कोई भी गवर्नमेंट गवर्नमेंटल बॉडी, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंटल बॉडी उसको स्टेट के अंडर में लेंगे, जैसे कि पार्लियामेंट, ठीक है, या कोई भी गवर्नमेंट का बॉडी, जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, ये भी स्टेट के अंदर आएगा। उसके बाद एनी लोकल अथॉरिटी, ठीक है, कोई भी लोकल अथॉरिटी है उसको स्टेट के अंदर लेंगे, या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा हो उसको भी आप डिफिनेशन ऑफ स्टेट में लेंगे। उसके बाद आता है कि ऐसा कोई अथॉरिटी जो ऑर्डर के थ्रू या लॉ के थ्रू बनाया गया है,
ठीक है, गवर्नमेंट या कोर्ट ऑर्डर किया कि आपको ऐसा बॉडी बनाना है, ठीक है, तो ये भी आपका डिफिनेशन ऑफ स्टेट में आएगा। जैसे कि ONGC है, IDBI बैंक है, ठीक है, तो ये सारा कुछ डिफिनेशन ऑफ स्टेट में आता है। डिफिनेशन ऑफ स्टेट कौन से आर्टिकल में आता है? 12 आर्टिकल में, ठीक है। अब आर्टिकल 13 के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे तो लिखा हुआ नहीं है, तो मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिए, रफ कर लीजिए, जैसे करना है कीजिए, क्योंकि याद रखना है, मेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 13 की, ठीक है। तो जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, जानते ही हम लोग के 26 जनवरी से हम लोग का 26 जनवरी 1950 से हम लोग का ये फोर्स कर दिया गया था कि ये लागू कर दिया गया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का लागू कर दिया गया था। तो उससे पहले भी तो कुछ कुछ रूल थे जो अंग्रेज बना करके गए थे, ठीक है। 26 जनवरी 1950 से पहले भी बहुत सारे रूल थे जो अंग्रेज लोग बना के गए थे। तो आर्टिकल 13 कहता है कि ऐसे रूल जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, वायलेट का मतलब खत्म करना या माने फंडामेंटल राइट्स को नहीं मानता है, ठीक है, तो ऐसे लॉ नहीं वैलिड होंगे, नहीं माने जाएंगे। 13 आर्टिकल ये कहता है कि कोई भी लॉ है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बनाए गए थे या कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बनाए जाएंगे, जो कि फंडामेंटल राइट्स को राइट्स के अगेंस्ट में होगा, तो उसको उस लॉ को हम लोग वैलिड नहीं मानेंगे, ठीक है। तो कुछ लॉ अंग्रेजों ने बना करके गए थे, तो उसको अगर फंडामेंटल राइट वायलेट करेगा, ठीक है, फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट कर देगा तो वैसे लॉ नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसको अमेंडमेंट का जरूरत है तो अमेंडमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब हम लोग आजाद हो गए तब भी बहुत सारे लॉ आए, ठीक है, बहुत सारे लॉ आएंगे और भी, तो अगर वैसा लॉ कोई फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में कहीं ना कहीं फंस जा रहा है, ठीक है, जो कंफ्लिक्ट कर रहा है, तो उस लॉ को हम लोग वैलिड नहीं मान सकते। फंडामेंटल राइट ही हम लोग का बेस फंडामेंटल, ठीक है, ये जरूरी है। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 14। अच्छा, और एक बता देते हैं हम लोग के एक्चुअल में हम लोग के कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में पहले 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, ठीक है, तो अमेंडमेंट करके 6 फंडामेंटल राइट्स हुए। पहले 7 हुआ करते थे, अभी 6 हुआ करते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो फंडामेंटल राइट्स ये 6 कौन कौन से हैं, ठीक। तो सबसे पहले आता है राइट टू इक्वलिटी, इसके अंदर भी आर्टिकल है, ठीक है। तो राइट टू इक्वलिटी 14 आर्टिकल से लेकर 18 आर्टिकल तक है, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 नंबर। और ये बता दो, मैं आपको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ना, ताकि आपको बहुत देर तक मैंने ज्यादा रिपीट करेंगे, ज्यादा सुनेंगे, आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा, ठीक है। तो राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि राइट टू फ्रीडम आपका 19 से लेकर के, ठीक, राइट टू फ्रीडम आपका 19 से लेकर के 22 नंबर आर्टिकल तक है, ठीक है। इसको बता ट्रिक भी बता देंगे हम लोग कैसे याद रखना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को याद रखने से मतलब है, कैसे भी याद रखें। तो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 राइट टू फ्रीडम है, ठीक है। उसके बाद 23 से लेकर के 24 तक राइट टू एक्सप्लोटेशन है, ठीक है। उसके बाद 25 से लेकर के 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका 31 जो है आपका सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज है, ठीक है, 31 हो जाएगा सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज। उसके बाद 32 से 35 तक राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज है। तो इसको याद रखने के लिए हम बता देते हैं, आप देखिए सीक्वेंस में अरेंज हो रहा होगा EFEF करके, ठीक है, 6 राइट है, ठीक है, तो EFEF करके अरेंज हो रहा होगा। तो सबसे पहले
सबसे पहले होगा हम लोग का राइट टू इक्वलिटी, ई से स्टार्ट हुआ, उसके बाद राइट टू फ्रीडम एफ, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा राइट टू एक्सप्लोटेशन, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसके बाद राइट टू एडुकेशन बोल सकते हैं या कल्चरल एंड एडुकेशनल राइट बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये भी याद हो गया। और ये आप आर्टिकल याद रख लेना कि कितने से कितने से लेकर के, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग राइट टू इक्वलिटी की। टर्म से ही समझ में आ रहा है कि इक्वलिटी, ठीक है, हर जगह इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है। तो 14 क्या कहता है, 14 नंबर आर्टिकल क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने सब बराबर है, ठीक है, कानून के सामने सब बराबर है कि आप के अगेंस्ट कोई केस हो गया या मेरे अगेंस्ट कोई केस हो गया, तो मैं जब कानून के सामने जाऊंगा तो ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा और हमको कम, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव जो होता है, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 कहता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है, जैसे जॉब वगैरह में सबको सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 17 कहता है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, वो छूतछात वाला जो ये है, ठीक है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग आर्टिकल 17 में डिस्कस करते हैं, ठीक। उसके बाद आर्टिकल 18 कहता है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, मैंने आप नाम के सामने कोई भी टाइटल्स नहीं लगा सकते, ठीक है, जैसे कि कोई 400 आपको टाइटल्स दे दिया पहले के जमाने में जैसा होता था, ठीक है, तो अब नहीं लगा सकते। तो इसको याद रखने के लिए 14 से 18 याद रखने के लिए हम लोग 14 में क्या है, 14 में क्या है इक्वलिटी बिफोर लॉ, और 15 में क्या है डिस्क्रिमिनेशन, उसके बाद 16 में अपॉर्चुनिटी, 17 में अनटचेबिलिटी, और 18 में रिलेशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए हम लोग ट्रिक बनाएगा डाउट, DOUT, ठीक है, डाउट। तो आर्टिकल 15 में डी डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16 में अपॉर्चुनिटी ओ, आर्टिकल 17 में यू अनटचेबिलिटी, और आर्टिकल 18 में टी फॉर टाइटल्स, ठीक है। तो ये आराम से याद हो जाएगा आपको। उसके बाद बात करते हैं हम लोग राइट टू फ्रीडम की, ठीक। तो राइट टू फ्रीडम आपका 19 आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक है। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है कि आपके पास अधिकार है, वो कहीं पे भी आप स्पीच दें, ठीक है, आपके पास कुछ भी कोई भी स्पीच दे सकते हैं, आप एक्सप्रेशन दे सकते हैं, या जमा हो सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं, असेंबल पीसफुली होना है, ऐसा नहीं कि असेंबल होकर के पूरा तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ठीक है, एसोसिएशन बना सकते हैं या मूव फ्रीली। एसोसिएशन का मतलब आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं लेबर एसोसिएशन होता है और भी बहुत सारे एसोसिएशन होते हैं, ठीक है, तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं मूव फ्रीली। तो यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है, ठीक है, जैसे मूव फ्रीली का मतलब ये नहीं है कि आप बॉर्डर वाले इलाके में घूमें, ठीक। उसके बाद क्या है सेटल एनीवेयर, आप कहीं पे भी जाके सेटल हो सकते हैं और आप कोई भी जॉब या प्रोफेशन कोई भी काम कर सकते हैं, इलीगली नहीं, लीगल होना चाहिए, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए देखिए, तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 में क्या कहता है या क्लॉज बी में, इसको एक कहीं कहीं पे ए बी करके भी लिखा हुआ है, कहीं के 1-2 करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो आर्टिकल 19 का 1 क्लॉज 2 क्लॉज ऐसे करके भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग कि ए में क्या है बी में क्या है, देखिए ए बी सी डी और ई एफ नहीं है, एफ को अमेंडमेंट करके यहाँ से हटाया गया है, ठीक है। तो उसके बाद एफ के बाद जी आता है, ठीक है, तो एफ याद रखिएगा, एफ नहीं है, जी आता है। तो इसको याद रखने के लिए हम लोग बोल सकते हैं शाम से एसपी घूम रहा है, ठीक है, शाम से एसपी घूम रहा है, आप लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है। तो शाम से एसपी घूम रहा है, शाम फॉर स्पीच फ्रीडम ऑफ स्पीच, ए फॉर असेंबल होना, ठीक है, ए फॉर एसोसिएशन करना, ठीक है, एम फॉर मूव फ्रीली, ठीक है, और एस फॉर सेटल एनीवेयर, पी फॉर प्रोफेशन। तो ए बी सी डी ई और जी, ठीक है, तो ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा क्लॉज में कौन सा है। तो
इसलिए आपको याद रखना है शाम से एसपी घूम रहा है। तो आर्टिकल 19 का बात हो गया। उसके बाद आर्टिकल 20 में क्या होता है कि आपको प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ ऑफेंस, ठीक है, कि आप कोई कोई बुरा काम कर लिए, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में कौन 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 गवाही दे सकता है, या तो इसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है, ठीक है। तो आर्टिकल 20 को याद रखेंगे हम लोग सिर्फ कन्विक्शन, ठीक है, माने उसके अगेंस्ट में कौन। अब ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 20 ये नहीं कहता, आर्टिकल 20 का कुछ क्लॉज भी है, वो क्या कहता है कि आप नो एक्स पोस्ट फैक्टो। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान के चलिए कोई रूल आज बना है, ठीक है, हम जो रूल तोड़े हैं, माने रूल हम जो कोई गुनाह किए हैं या कोई क्राइम किए हैं वो रूल बनने से पहले किए हैं, तो पहले जो रूल था उस गुनाह का उसके अकॉर्डिंग ही आपको सजा मिलेगा, ठीक है, समझ में आया। मान के चलिए मैंने आज कोई क्राइम किया है और कल कोई नया रूल बनता है, ठीक है, तो हमको नए रूल के अकॉर्डिंग क्राइम ये नहीं मिल सकता है, क्योंकि हम जब क्राइम किए थे तो वो पुराना रूल पता था हमको, ठीक है, तो हमको पुराने रूल के अकॉर्डिंग ही कोई सजा मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं कि नो डबल जियोपार्डी। इसका मतलब क्या होता है कि आपको एक ही सजा के लिए बार बार, सॉरी, एक ही क्राइम के लिए बार बार आपको सजा नहीं मिल सकता है, ठीक है, एक ही क्राइम के लिए आपको बार बार सजा नहीं मिल सकता है। और थर्ड पॉइंट जो है कि आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, माने अपने अपने खिलाफ, माने अपने इसमें कि मैंने देखा है क्राइम होते हुए, ये जो लिखा हुआ है नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, इसका मतलब खुद के खिलाफ जबरदस्ती गवाही देना, ठीक है, आप अपने अपने अगेंस्ट में या अपने इसमें साइड में कोई भी गवाही नहीं दे सकते, ठीक है, आप अपने साइड से तो गवाही नहीं दे सकते, ठीक है, तो वो आर्टिकल 20 कहता है, तो सिर्फ याद रखना ये कन्विक्शन है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, आर्टिकल 21 बताता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21A बताता है राइट टू इरिगेशन के बारे में, ठीक है, आर्टिकल 21 राइट टू इरिगेशन, 21 होता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और 21 होता है राइट टू इरिगेशन। और आर्टिकल 22 क्या बताता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो आर्टिकल 22 में बहुत सारे क्लॉज है, इसको हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इसको फर्दर एक एक आर्टिकल पकड़ पकड़ के इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, सो दैट कि हम लोग का एक एक आर्टिकल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसको याद रखने के लिए हम लोग क्या ट्रिक बना है, क्लियर, CLEAR, ठीक है। तो 20 से स्टार्ट करते हैं, 20 में क्या है कन्विक्शन, 21 में है लाइफ एंड लिबर्टी, 21A में है एजुकेशन, ठीक है, और 22 में है अरेस्ट, ठीक है, अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। वो वाला था डाउट, ये 15 से 18 तक, और यहां से 20 से 22 तक हो जाएगा आपका क्लियर, ठीक है। तो हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में 23 से लेकर के 35 या जहां तक पॉसिबल हो, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।